नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास ये जो TMC है, ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर बॉक्स, तो ये जो है हमने एक सेकंड में परचेस किया था। तो सेकंड हो या आप बॉक्स नया लें, कुछ दिन बाद जो है वो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है या फिर मेंटेनेंस कह लीजिए, वो निकलना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इस मशीन के ऊपर जो घिसाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पार्ट पर अगर आप फीडर की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा घिसाई का पार्ट है, तो यहाँ पे कोई टूट फूट होने के चांसेस होते हैं। फिर जो चैन है हमारी बड़ी वाली, तो चैन जो है वो काफ़ी हेवी होती है, तो उसके कारण भी जो है वो काफ़ी एक लोड जो है वो हमारे आगे के व्हील पे वगैरह जब पड़ता है, जब मेड़ पे वगैरह हम चढ़ते हैं तो एक झटका वगैरह लगता है, तो उससे जो है हमारे जो दोनों जो चक्के हैं 16, 20, 16, 9, 28 के, तो उनके ऊपर भी काफ़ी जो है एक प्रेशर पड़ता है। तो उस वजह से जो है कभी कभी जो होता है कि ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो हमने साइड में जो ये खोला हुआ है इसका ये फ्रेम है, ये जो है मेन जो इसका चेसिस है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो लोड पड़ने की वजह से जो है यहाँ पे अंदर जो है जहाँ पे हमारा ये हब जो है शाफ्ट, ये जो हब यहाँ पे हम बिठाते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे साइड में जो है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम जैसे क्लच अगर झटके से अगर छोड़ दिए कहीं मेड़ पे, अगर आप बहुत फोर्स लगा के अगर आप चढ़ा रहे गाड़ी को, हार्वेस्टर को, तो यहाँ पे जो है घिसाई वगैरह जो होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये घिस चुका है थोड़ा सा, तो इससे हो ये रहा है कि यहाँ पे जो हमारा टायर है वो थोड़ा इस साइड में हो गया, ये हब पूरा जो है थोड़ा सा अंदर की ओर चला गया है, तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो आप पुल्ली देख पा रहे हैं, ये जो पुल्ली है यहाँ पे, या यहाँ से जो हम चैन बिठाते हैं बड़ी वाली, जो एक डायमंड की चैन जो होती है यहाँ पे, जो पिछले व्हील पे जो चक्कों पे जो अटैच होती है टायर ट्रैक्टर के, तो वहाँ से ये चैन जो है वो यहाँ से आती है, इस पुल्ली के करीब से आती है यहाँ पे। तो इस हब का जो है थोड़ा सा इस तरफ, अगर ये हब ये इस तरफ जो हो गया है, तो इससे जो है ये पुल्ली जो है यहाँ पे ये चैन जो है इससे टकरा रही है, और ये पूरी जो पुल्ली है वो घिस चुकी है। तो इसलिए इसका जो एक और इफ़ेक्ट है वो ये बेल्ट पे पड़ रहा है, कि ये बेल्ट जो है इसमें अगर आप नया भी बेल्ट डालते हैं तो एक ही दिन में जो है बेल्ट जो है इस कंडीशन का हो जाता है, एक साइड से जो है वो पूरा घिस जाता है, तो इसका भी एक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपको करना ही होगा, क्योंकि ये जो पुल्ली है ये भी आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं चलने वाली अगर ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो। तो इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे जो है इस हब को जो है वो थोड़ा सा हमें बाहर की ओर निकालना है, तो इसीलिए जो है आज हमने यहाँ पे ये खोल के रखा हुआ है, और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो वाइसर है यहाँ पे, ये जो एक वाइसर लोहे का हमने एक वाइसर लिया है, लगभग एक सूत का जो है यहाँ पे इसकी चौड़ाई है, तो ये यहाँ पे हमने बना के लिया हुआ है। तो आप किसी भी लेथ मशीन पे जाके आप इस तरह का जो वाइसर है वो आप बना सकते हैं, इस बेरिंग के मेजरमेंट के हिसाब से, इस साफ्टिंग के हिसाब से आप ये वाइसर यहाँ पे बना सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये जो यहाँ पे हब जो देख रहे हैं आप, तो ये थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे वाइसर होने की वजह से थोड़ा सा जो है जो इसकी पहली पोजीशन जो थी वो उस पोजीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे खुद ब खुद जो है इसकी जो चैन यहाँ से जो अटैच होने वाली है, तो उसका जो डिस्टेंस है इस पुल्ली से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो उससे होगा ये कि हमारी जो चैन है वो इस पुल्ली से जो है चलते वक्त जो है वो नहीं टकराएगी। तो ये यहाँ पे आपको कर लेना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपकी ये पुल्ली अगर डैमेज हो रही है, तो उसका जो है चैन का ही प्रॉब्लम है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे सी चैनल देख रहे हैं, ये सी चैनल हमारे ट्रैक्टर के ऊपर ये सिर्फ माउंट करने के वक्त ही हम यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ से इसको हम निकालने वाले हैं। ऐसा ना समझिए कि ये कोई हार्वेस्टर का पार्ट है या इससे ये पुल्ली जो है वो घिस रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ये पूरा यहाँ पर आप फाउंडेशन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी ट्रैक्टर इसके ऊपर हम माउंट करने वाले हैं सोयाबीन के सीज़न जब स्टार्ट होंगे तब, तो यहाँ पर ये इसका फाउंडेशन है, ये जो ये देख पा रहे हैं आप ये एंगल, ये इसका पार्ट है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये घिसने का मेन वजह ये है कि ये चैन की वजह से जो है घिस रही है, क्योंकि ये हब जो है वो इस साइड अंदर की साइड थोड़ा चला गया है। तो यही अगर प्रॉब्लम आपके अगर हार्वेस्टर में अगर आपको आता है, तो आप ज़रूर से इस पे गौर कीजिए कि आपका ये जो शाफ्ट है ये घिस तो नहीं गया है, ये अंदर से थोड़ा चेक कर लीजिए, और घिस गया है तो फिर ये इस तरह का जो है वाइसर अगर आप ये यहाँ पर बना के डाल सकते हैं।
तो ऐसे ही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है जो हमारे नए किसान भाई जो है जिन्होंने हार्वेस्टर लिया हुआ है, तो उनको अगर ये बात जो है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे ही छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होते हैं जो हम फेस करते हैं वो आप लोग जो है वो फेस ना करें, इसलिए जो है हम यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं कि छोटी मोटी जो यहाँ पे मेंटेनेंस होती है हार्वेस्टर में वो खुद ही जो है किसान भाई अपने से यहाँ पे कर पाए। तो ऐसे ही वीडियो जो है वो आगे देखने के लिए या छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जैसे ही हमको ये नई वीडियो जो है हम अपलोड करते हैं तो आपके पास वो तुरंत आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।